हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाई इसका FS-I6 ट्रांसमीटर के बारे में। ये बहुत ही अच्छा ट्रांसमीटर है फॉर ए बिगिनर। जैसे कि इसमें आपको पता होगा, इसमें चार बैटरी लगते हैं, 1.5 वोल्ट के चार बैटरीज लगते हैं, और ये को दिया गया अपग्रेड करने के लिए। इस पर एक एंटीना भी है जिसका इसका रेंज जो है 1 किलोमीटर तक आता है। ये जो है आपका चैनल 2 है ट्रांसमीटर का, ये चैनल 1 हो गया, इसे लेफ्ट राइट, ये चैनल 3 हो गया और ये चैनल 4 हो गया। उसके बाद स्विच के बारे में बात करते हैं। ये SWA स्विच है, इसमें 2 मोड्स दिए गए हैं अप डाउन के लिए। इसमें भी आप देख सकते हैं SWB है, इसमें भी 2 मोड है, अप डाउन जैसा ही है इसमें। उसके बाद आपका VRA आता है, इसको आप ऐसे रोल कर सकते हैं VRA, और ये VRB है। इसका हम लोग ज़्यादातर ये चैनल 3 मोड स्विच है SWC, और ये चैनल SWD है, इसमें भी 2 मोड, और तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। तो इसमें आपके लिए मेनू सेटिंग के लिए अप और डाउन के लिए दिया गया है, और ये ओके बटन है, और ये कैंसिल बटन है, और ये आपका ट्रांसमीटर को ऑन करने का बटन है, और ये बाइंडिंग है रिसीवर से बाइंड करने के लिए, ये बाइंडिंग की बटन है, और ये ट्रिम बटन है जिससे आप ट्रिम कर सकते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट। तो अभी जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको ऑन किया है, और सबसे पहले मेनू का सिस्टम सेटिंग में हम लोग जाते हैं। इसमें 2 सेटिंग मिलता है, एक फंक्शन सेटिंग और एक सिस्टम सेटिंग। तो अभी हम लोग सिस्टम सेटिंग में जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा टाइप सिलेक्ट। अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हैं तो आपको इसमें अलग अलग मिलता है, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, और काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं आपके उड़ाने के ऊपर। तो अगर आप ड्रोन उड़ाएं तो एरोप्लेन और ग्लाइडर में ही रखें, उसके बाद लॉन्ग कैंसिल प्रेस करें तो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है RX सेटअप में, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि RX सेटअप में जाके आपको सबसे पहले फेल सेफ को ऑन करना है। अगर आपका ट्रांसमीटर में फेल सेफ ऑफ है तो ये बहुत ही प्रॉब्लम वाला चीज़ है, इसीलिए आपको फेल सेफ में जाके सबसे पहले ट्रांसमीटर का फेल सेफ को ऑन करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे सभी के चैनल ऑन हैं। आपका भी कुछ एक वैल्यू होगा, मतलब आप समझिए कि आपका ट्रांसमीटर जो है वो फेल सेफ जो है उसका ऑन हो चुका है, ठीक है। और लॉन्ग कैंसिल प्रेस करेंगे तो वैल्यू सेव हो जाएगा। उसके बाद फेल सेफ के बाद आपको जाना है, इसमें कुछ ऐसा नहीं हो गया सिस्टम सेटअप में, बस आपको फेल सेफ को ऑन रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा फंक्शन सेटअप में। ये फंक्शन सेटअप आ गया। फंक्शन सेटअप में आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो आ रहा है वो रिवर्स है, रिवर्स इसीलिए यूज़ करता है। जैसे मान लीजिए आप अगर ट्रांसमीटर को सिग्नल आगे का दे दें और वो ड्रोन पीछे आ रहा है, तो आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे ये चैनल 2 है, इसको मैंने आगे किया, और आपका ड्रोन बाई चांस पीछे आ रहा है, तो आपको इसको यहाँ से रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने के लिए आपको आपका बटन को दबाना है और लॉन्ग कैंसिल प्रेस करना है, ताकि तब ये सेटिंग जो सेव हो जाएगा। उसके आप देख सकते हैं कि मेरा जो चैनल 1 है वो अभी रिवर्स हो चुका है, ठीक है। मैं अभी उसको नहीं चाहता है तो इसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद आता है एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट देख पा रहे हैं, मेरा हरी सब चैनल 1 से लेकर 4 तक वो 100 है, और चैनल 5 का कुछ एक 63 और 71 आ रहा है। ये मैंने DJI Naja MV2 के लिए स्विच मोड को सेट करने के लिए ये वैल्यू दे के रखा था। जैसे हम लोग को GPS करना पड़ता है, फिर वहाँ से फेल सेफ जाना पड़ता है, तो उसके लिए ये वैल्यू दिया गया। अगर आप FTM यूज़ कर रहे हैं, और अगर कुछ और अलग यूज़ कर रहे हैं, KK यूज़ कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू अलग होगा। ये मैंने DJI Naja MV2 के लिए सेट किया हुआ था। तो कभी कभी क्या होता है कि चैनल 5 में देखिए, जैसे मेरा कर्सर जो लेफ्ट साइड पर, उसको राइट लाने के लिए मेरा जो चैनल 5 है उसके स्विच को मैंने डाउन कर दिया, तो वो क्या हो गया, राइट साइड आ गया। फिर मैंने जब उसको अप किया तो वो लेफ्ट साइड हो गया। तो इस तरीके से आप कर्सर को अप डाउन कर सकते हैं। मेरा जो चैनल 6 है वो VRA में है, अगर मैं उसको घुमाऊँगा तो वो लेफ्ट साइड चला जाएगा कर्सर, और जब मैं उसको राइट साइड घुमाता हूँ तो राइट साइड कर्सर चला जाएगा। लॉन्ग कैंसिल प्रेस करने से सेव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑफ चैनल में।
उसके बाद हम लोग आते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि आपका चैनल वन कौन सा है, चैनल टू कौन सा है, कौन सा क्या काम कर रहा है, तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं कि आपका चैनल कौन सा जगह में क्या सेट है। जैसे ये चैनल थ्री हो गया, ये चैनल फोर हो गया, और फाइव और सिक्स ही होता है, सिक्स चैनल रिसीवर होता है। ये मेरा चैनल फाइव है, और ये जो है SWD मेरा चैनल सिक्स नहीं है, मेरा जो VRA है, इसीलिए मैं जब VRA को घुमाऊंगा तो इधर भी मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका चैनल कौन सा है। उसके बाद हम लोग ऑक्स चैनल में चल रहे हैं। ऑक्स चैनल देख सकते हैं जो चैनल फाइव है मेरा वो SWC में सेट है, और जो चैनल सिक्स है वो मेरा VRA में सेट है। ऑक्स चैनल से ही आप अपने चैनल को, चैनल फाइव और चैनल सिक्स को चेंज कर सकते हैं, किसी भी स्विच में आप दे सकते हैं या VRA में दे सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे चैनल फाइव मेरा SWC है, और चैनल सिक्स जो वो VRA है, आप अपने अनुसार कुछ भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे मिक्स की तरफ। मिक्स कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखे होंगे कि मिक्स का हम लोग यूज़ इसीलिए करते हैं मोड को चेंज करने के लिए। जैसे आप बाई चांस APN यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको मोड तीन से छः करने के लिए मिक्स का यूज़ किया जाता है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा।